हेलो व्यूअर्स, डेटा साइंस के इस कोर्स में अब हम देखेंगे कि हमारे पास पांडास के अंदर जब हमारे पास एक डेटा फ्रेम हम बना रहे हैं तो उसके अंदर हमारे पास मिसिंग वैल्यूज जब आ जाती हैं तो हम उसको किस तरह से क्लीन कर सकते हैं और किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, इसको जो है वो पाइथन के थ्रू यानी कि डेटा फ्रेम उसके पांडास के डेटा फ्रेम में अगर हम नल वैल्यूज यानी कि हमने सबसे पहले यहाँ क्या किया, यहाँ numpy के अंदर से इम्पोर्ट कराया NaN और उसको एज यानी इलास NA के नाम से सेव करा दिया। अब यहाँ रन कराने के बाद डेटा के अंदर हमने एक डेटा फ्रेम बनाया, डेटा फ्रेम के अंदर NaN और ये तीन रॉज बना दी हमने, यहाँ पर चार रॉज बना दी और तीन कॉलम्स हो गए हमारे पास। कॉलम नंबर 0 था हमारे पास और कॉलम नंबर 1 था और कॉलम नंबर 2 था। अब हमारे पास क्या होगा कि हम यहाँ जो है वो NaN की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई यहाँ पर। NaN इसलिए हो गया कि ये एक्चुअल में जब डिस्प्ले करेंगे तो NaN ही आएगा, NA जो है वो NaN का एलास है तो इसको यूज़ करेंगे तो NaN ही हमारे पास शो होगा। तो हम क्लीन्ड में गए, क्लीन्ड का मतलब हमारे पास क्लीन के नाम से हम एक वेरिएबल बनाया, हमने उसको डेटा डॉट ड्रॉप ना के नाम दे दिया, यानी कि जितनी भी नल वैल्यूज़ हैं हमारे पास उसमें से वो ड्रॉप कर दो जो के जिसके अंदर भी नल वैल्यू आ रही है। तो क्लीन्ड हमारे पास क्या बच गया, एक रॉ बच गई जो कि हमारी पहली रॉ थी, उसका डेटा जो है वो क्लीन था तो वो ही बच गया। और अगर हम डेटा डॉट ड्रॉप हाउ ऑल करें तब भी जो है हमारे पास क्या होगा, हमारे जो डेटा है वो एज इट इज जो है वो हमारे पास जिसके अंदर सारी की सारी यानी कि रॉ 2 जो हमारे पास है उसके अंदर सारी वैल्यूज जो है वो नल वैल्यूज थी, तो हमने नल वैल्यूज को जो है वो निकाल दिया जिस रॉ के अंदर सारी की सारी नल वैल्यूज हो। अब हमने एक डेटा जो है वो कॉलम बनाया, कॉलम के अंदर हमने NA यानी कि नल डाली वैल्यूज सारी की सारी कॉलम नंबर 4 में, यहाँ पर हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज हैं। अगर हम एक्सेस इसका 1 करें यानी कि वाई एक्सेस में जब ये देखेगा, पहले एक्स एक्सेस में बाय डिफॉल्ट ड्रॉप ना जो है वो एक्स एक्सेस में काम कर रहा था, एक्स एक्सेस मतलब रॉ की फॉर्म में काम कर रहा था। जब हमने इसका एक्सेस 1 कर दिया इसका मतलब ये है कि ये वाई एक्सेस में काम करेगा यानी कि कॉलम्स के लिए काम करेगा। जब इसने कॉलम्स के लिए काम करना शुरू कर दिया तो हाउ ऑल में इसने कॉलम नंबर जो हमारे पास था 4 उसको उड़ा दिया और हमारे पास कॉलम बच गए 0 1 2। ये थी हमारे पास डेटा मिसिंग डेटा को हैंडल करने के तरीके, ये हमारे पास डेटा साइंस में बहुत ज़्यादा काम आते हैं और इसको हम बहुत जगह यूज़ करते हैं जब हमारे पास बिग डेटा अवेलेबल होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।